नमस्कार दोस्तों मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मेरर यूट्यूब चैनल में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कोटेक्स सिक्योरिटीज़ में आप जो है सुपर मल्टीपल्स ट्रेड कैसे कर सकते हैं वीडियो देखते रहें वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना सबसे पहले जो है कोटेक्स सिक्योरिटीज़ ऐप जो है आपका वो लॉग कर लो लॉग करने के बाद ये डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है यहाँ पर आ जाना मोड्स पर मैं पहले फंड्स दिखा दूँ कितना है उसके बाद जो है जो भी आपका कॉन्सेप्ट होगा वो समझने में आसानी होगी तो यहाँ पे जो अवेलेबल मार्जिन दिख रहा है वो वो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है बाकी मैंने आज ट्रेड किया हुआ था शॉर्ट सेलिंग का उसका वीडियो मैं बहुत जल्दी पोस्ट कर दूंगा उसमें जो है मुझे जो भी लॉस हुआ है यहाँ पे आपको दिख रहा है तो जो भी है यहाँ पे आपको अमाउंट आपका जो भी था पहले वाला वो दिख जाएगा और जो भी यहाँ पे है आपको जो भी आपका अवेलेबल मार्जिन है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा थ्री एटीन पॉइंट फाइव वन था इसमें जितना आपने लॉस किया होगा वो आपको टोटल मार्जिन में अवेलेबल मार्जिन में दिख जाएगा तो ये फंड्स आप देख लिए अब आते हैं वॉच लिस्ट पर सबसे पहला काम क्या करना है आपको स्टॉक ऐड करना है कैसे ऐड करते हैं यहाँ पे सर्च बार का ऑप्शन दिख रहा है क्लिक कर देना जैसे ही आप क्लिक करोगे स्टॉक हमेशा कैश में ही ऐड करते हैं जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म बाय करना हो कैश पे क्लिक कर देना जो भी स्टॉक आपको ऐड करना हो मान लो ऐड करना हो आपको इन्फोसिस या फिर आपको ऐड करना हो हीरो मोटोकॉप तो जैसे हीरो मोटोकॉप आपने टाइप किया यहाँ पर एक सवाल आता है मुझे सर ये एन और बी एस क्या है एन मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बी मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में दो एक्सचेंज हैं जहाँ पे स्टॉक ट्रेड होता है मेजरली दो एक्सचेंज है एनएससी और बी आप कहीं भी ट्रेड कर सकते हो कोई कंपलसन नहीं है तो मान लो मैं बी एस करता हूं मैंने प्लस पे क्लिक किया जैसे ही मैंने प्लस पे यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे आपको वॉचलिस्ट जो है सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे सेव का ऑप्शन पे क्लिक कर देना जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखो स्क्रिप्ट एडिट सक्सेसफुली ओके कर दो आप ओके okay कर दिए अब यहाँ पे फिर से आना है वॉच लिस्ट पे जो भी आपका स्क्रिप्ट होगा वो ऐड हो जाएगा आपका अब मुझे करना है सुपर मल्टीपल्स में ट्रेड जो भी आपको स्टॉक अच्छा लगता है वो आप एक बार चूज कर लो मान लो मैं चूज करता हूँ यहाँ पे फिर से यहाँ पे चूज़ करता हूँ एल हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पे आपको दिख रहा है नीचे में एल हाउसिंग फाइनेंस मैंने इस पर क्लिक किया जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया यहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा टुडे हाई लो कितना है 52 टू वीक हाई लो कितने पे है यहाँ पे और जो भी है यहाँ पे आपको नंबर्स दिख जाएंगे कंपनी के फंडामेंटल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे मार्केट डेफ जो है मेजर है कंसर्न है आपका वो मैं बता रहा हूँ मार्केट डेफ मतलब क्या होता है आस्क मतलब सेलर का प्राइस इतना क्वांटिटी जो है इस प्राइस पे सेलर सेल sell करने के लिए तैयार है बिड मतलब बायर के प्राइस इतना क्वांटिटी जो है इस प्राइस पे बायर बाय करने के लिए तैयार है तो यहाँ पे देखो 419.95, 420 ऑलमोस्ट जो है पाँच पैसे का डिफरेंस है बाइंग में भी और सेलिंग में भी मतलब कम, ये जो कंपनी है वो लिक्विड ये जो स्टॉक है वो लिक्विड स्टॉक है यहाँ पर आप मार्केट में बाई सेल कर सकते हो कभी कभी क्या होता है 420 पे है आपका ये स्टॉक इन स्टॉक की बात कर रहा हूँ सेलर होता है 450 पे बायर होता है 400 पे तो आप जब भी बाई करोगे सेलर से बाय करोगे इस प्राइस पर बाई नहीं करोगे तो ये चीज़ ध्यान रखना मार्केट में बाय करते हो तो सेलर का जो प्राइस होगा बेस्ट प्राइस होगा उस पर आपका बाय हो जाएगा तो मान लो यहाँ 450 पे है और 420 पे मार्केट चल रहा है स्टॉक का प्राइस तो थर्टी रुपीज़ का सीधा आपका लॉस है तो यहाँ पे जो है देख लेना स्टॉक का प्राइस आज के ब्रिट प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दस बीस पैसे का डिफरेंस चलता है उतना चलता है यहाँ पर देख लिया आपने आप इसको जो है बाई कर सकते हो तो यहाँ पर मैंने दिखा दिया आपको क्या होता है नहीं होता है इनसाइड देखना हो यहाँ से देख लेना टॉप न्यूज देखना हो यहाँ से देख लेना मुझे बाई करना है मैंने यहाँ पे पे क्लिक किया जैसे ही मैंने पे क्लिक किया अगर मान लो फोर चल रहा है अभी और आपको मन कर रहा है यहाँ पे देखो सुपर मल्टीपल से ध्यान रखना दोस्तों फ्री इंटरडेट ट्रेड जो है सुपर मल्टीपल्स में काम नहीं आएगा यहाँ पे ट्वेंटी रुपीज पर ऑर्डर जो है प्लेस करना होगा आपको देना ही देना होगा चाहे वन ऑर्डर में आपको कितना भी स्टॉक्स हो अगर आपको सिंपल फ्री इंटरडेट ट्रेड करना तो कुछ यहाँ पे कुछ सेलेक्ट मत करना कुछ भी सेलेक्ट मत करना आप ऐसे ही बाइसेल कर लो आपका वो इंटरडे फ्री ट्रेड ही कहलाएगा दिन के लिए समझ गए अगर आपको लिमिट में ऑर्डर प्लेस करना मान लो फोर ट्वेंटी है आपको अभी आपको लग रहा है कि ये फोर जो है फिफ्टीन आएगा आपने फोर फिफ्टीन पर ऑर्डर लगा दिया यहाँ पर सब कुछ सेम रखना है एडवांस ऑर्डर पर चले आओ एक बार यहाँ पे है जी एफ मतलब गुड फॉर द डे नाइन फिफ्टीन से लेकर थ्री थर्टी तक ऑर्डर वैलिड रहेगा इमीडिएट ऑर्डर कैंसिल मतलब आपने ऑर्डर प्लेस किया या तो उसी समय एग्जीक्यूट होगा या कैंसिल हो जाएगा ये भी नहीं लगाना गुड टिल कैंसल्ड मतलब आप एक साल के लिए टारगेट ऑर्डर स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हो तो इसका भी काम नहीं है आप हमेशा गुड फॉर द डे ही रखना है में स्टॉप लॉस बाद में बताऊंगा तो ये आप समझ गए इसको मैं फिर से मिनिमाइज कर देता हूँ यहाँ पे क्लिक करके मिनिमाइज कर दिया यहाँ पे 415 फिफ्टी पे लगा दिया अब यहाँ पे सुपर मल्टीपल्स चूज करना है मैंने सुपर मल्टीपल्स पे यहाँ पे चूज कर लिया सुपर मल्टीपल्स में स्टॉप लॉस पूछ रहा है स्टॉप लॉस आपको कितने पे लगाना है तो मान लो फोर पे मैं बाई करूंगा स्टॉप लॉस नीचे ही लगेगा तो मैंने फोर का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया ऐसा मत करना फोर फिफ्टीन में बाएंगे और फोर का स्टॉप लॉस लगा रहे हो दिक्कत हो जाएगी फोर फिफ्टीन का स्टॉपस लगा दिया मैंने यहाँ पे एडवांस ऑर्डर कुछ नहीं करना सुपर मल्टीपल्स क्योंकि आपको मार्जिन एक्स्ट्रा मिलता है तो शायद वो स्टॉप लॉस मांगते हैं एडवांस ऑर्डर पे चला गया मैं स्टॉप एडवांस ऑर्डर में जी, जी एफ डी रहेगा गुड फॉर द डे कंफर्म पे क्लिक करो जैसे क्लिक क्वान्टिटी कैन नॉट भी एमटिथ क्वांटिटी मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ टेन टेन, टेन क्वान्टिटी पुट कर दिया यहाँ पे यहाँ पे कन्फर्म का ऑप्शन आ रहा है कन्फर्म का ऑप्शन पर क्लिक किया और यहाँ पे कन्फर्म का ऑप्शन आ रहा है इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे देखो ऑर्डर हैज बिन प्लेस्ड सक्सेसफुली हो गया आपको आना है डैशबोर्ड पे जैसे ही डैशबोर्ड पे आओगे आप यहाँ पे आपको ऑर्डर्स दिखना है इंटर ट्रेडिंग करते हुए तो ऑर्डर्स और पोजीशंस में ही रहना है आपको और कहीं नहीं जाना ऑर्डर्स में आ जाओ ऑर्डर्स में आ गया मैं यहाँ पे देखो आपका ऑर्डर जो है टीआरडी दिख रहा है, आपका ओपी एन, ओपी एन, है तो अभी आपका ऑर्डर ओपन दिखेगा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ओपीएन ओपीएन ओपन है ठीक है तो मान लो अभी चल रहा है फोर पे फोर आएगा सबसे पहले ये ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद आपका स्टॉपलेस ऑर्डर जो है पेंडिंग में रहेगा कि मान लो फोर फिफ्टीन आ गया उसके बाद फिर से आ गया फोर टेन आपका जो है ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है बाइंग वाला और नीचे आ गया तो स्टॉप लॉस स्वीट टिकर हो जाएगा और ऊपर गया तो आपको जो है टारगेट ऑर्डर लगाना होगा वो आप खुद से देख लेना तो यहाँ पर मेरा ओपन ओपन है मतलब एल एसी हाउसिंग फाइनेंस जो है मैंने फोर में लगाया हुआ है सर नहीं सर जी मुझे जो है मार्केट में बाई करना है कैसे करना है सिंपल प्रोसेस है आप चाहे वहां से भी कर सकते हो यहाँ से भी कर सकते हो आप इस पर क्लिक करो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे देख लो आपको आएगा नीचे में मॉडिफाई और कैंसिल का ऑप्शन मॉडिफाई और कैंसिल का ऑप्शन मॉडिफाई का ऑप्शन पे क्लिक कर दो जैसे ही आपने मॉडिफाई का ऑप्शन पर क्लिक किया यहाँ पे आपको टिक दिख रहा है टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है मार्केट मतलब जिस प्राइस पे सेलर अवेलेबल होगा बेस्ट प्राइस पे आपका ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा बता दिया मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस तो ऑलरेडी लगा हुआ है आपका उसका चिंता नहीं करना आपको ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पे टाइम रिस्ट्रिक्शंस हो गया आपका तो यहाँ पे मार्केट कर दिया मैंने यहाँ पे टाइम रिस्ट्रिक्शन में देखो गुड फॉदर डे है आप ये कर दो कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर दो और यहाँ पे देख लेना मैंने सुपर मल्टीपल्स चूज़ किया हुआ है ऑर्डर टाइप सुपर मल्टीपल्स मतलब सेल करना मुझे सुपर मल्टीपल्स में ही वो चीज़ ध्यान रखना यहाँ कंफर्म के ऑप्शन पर मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर देखो ऑर्डर हैज़ जी मॉडिफाइड सक्सेसफुली हो गया आपका अब आते हैं डैशबोर्ड बोर्ड पर डैश पर आए यहाँ पे ऑर्डर्स दिख रहा है ऑर्डर्स पर आए यहाँ पर आप देख लो ट्रेडेड टी आई डी मतलब ट्रेडेड सी एन मतलब कैंसल्ड टीआर ईडी मतलब ट्रेडेड यहाँ पे देखो टीआर मतलब ट्रेडेड आपका जो है फोर नाइनटीन पॉइंट जो भी होगा प्राइस होगा उस पर मेरा स्टॉक जो है ट्रेड हो चुका है तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस ऑर्डर मैं पेंडिंग में है मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ यहाँ पे मॉडिफाई करके देखता हूँ कितने पे है टिकट प्राइस फोर टेन पे है तो ट्रिकर प्राइस जो है फोर टेन पे है कोई दिक्कत की बात नहीं है तो ट्रिगर प्राइस फोर टेन से लेके फोर थर्टी सिक्स के बीच में जो भी होगा प्राइस ऑटोमेटिक आ जाएगा समझ गए इसीलिए लिखा गया फोर थर्टी सिक्स यहाँ पे मत ये मतलब नहीं है फोर थर्टी सिक्स आएगा तब होगा यहाँ पे देखो ट्रिगर प्राइस आपको दिख यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस जो है यहाँ पे लिखा हुआ था मैं फिर से बैक करता हूँ इसको मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करता हूं जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे देख लो आप थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे देख लो ट्रिगर प्राइस जो है फोर लिखा हुआ है मतलब फोर से लेकर थ्री तक मान लो अचानक से मार्केट नीचे आ गया तो वो जो है अपना प्राइस मेकअप कर लेगा फोर टेन से लेके थ्री सेवेंटी सिक्स के बीच में जो भी प्राइस पे होगा यहाँ पे आप सेल कर रहे हो जो भी प्राइस पर बाहर अवेलेबल होगा ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा तो ये है आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर पहले से ही लगा हुआ है अब आते हैं कहाँ पर आना है आपको पोजीशन में पोजीशन में, में आ जाओ जो भी आप ट्रेड किए होगा यहाँ पर आपको दिख जाएगा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है टूडे पोजीशन आपको यहाँ पर दिख रहा है एलआई हाउसिंग फाइनेंस में जो भी प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये मैंने आई ट्रेड किया हुआ था मैंने बताया था शॉर्ट सेलिंग का वो वीडियो मैंने बना दिया है जो बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा यहाँ पे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का यहाँ पे आपको अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस है अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अभी तक आपने बुक नहीं किया है मतलब बुक कर लोगे तो रियलाइज्ड में आ जाएगा वो अन में मतलब ये एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का जो प्रॉफिट एंड लॉस है यहाँ पे आपको दिख रहा है नेट प्रॉफिट एंड लॉस मतलब मेरा वन पैसे का लॉस था तो वो घट के जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है जो भी नेट प्रॉफिट एंड लॉस है फिलहाल अभी तो ये मेरा ऑर्डर ओपन है ओपन पोजिशन में आना है आपको ओपन पोजिशन में आओ यहां पर देखो आपको जीरो मतलब क्लोज यहां पर देखो प्लस टेन है प्लस टेन है मतलब आपने स्टॉक बाई किया हुआ है इंटर डेट बाई किया हुआ है इसको माइनस तो प्लस टेन माइनस टेन इक्वल टू जीरो होगा ये इंटर डे क्लोज करना है और ऑर्डर टाइप सुपर मल्टीपल्स है ध्यान रखना दोस्तों सुपर मल्टीपल्स है मतलब जो है आपको ट्वेंटी रुपीज पर ऑर्डर प्लेस देना होगा यहां पे फ्री इंटर जो है काउंट नहीं करेगा वो चीज ध्यान रख लेना प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे दिख रहा है आपको अब मैं आता हूं मोर पे मोर पे आ गया मैं फंड्स पे एक बार देख लेता हूँ कितना मार्जिन मेरा ब्लॉक हुआ है इसके लिए यहाँ पे एट फोर्टी सिक्स रुपीज़ है फाइव टाइम्स का यहाँ पे लिमिट मिल रहा है आपको टेन क्वांटिटी है फोर थाउजेंडेंड रुपीज़ टेन टाइम्स का लिमिट मिल रहा है सॉरी मैं बोल रहा हूँ फाइव टाइम्स का टेन टाइम्स का मिल रहा है फोर ट्वेंटी बाइक किया टन क्वान्टिट्टी है ऑलमोस्ट फोर थाउजेंड टू हंड्रेड है फोर सेवेंटी रुपीज़ ब्लॉक किया गया है तो मतलब ऑलमोस्ट एट टू नाइन टाइम्स का मुझे जो है लिमिट मिल रहा है सुपर मल्टीपल्स में जो इंटर डे में आपको फोर टू फाइव टाइम्स का होगा नॉर्मल ऑर्डरी बाइक होगी तो फोर टू फाइव टाइम्स का होगा आपको डबल मिलता है सुपर मल्टीपल्स में अभी

स्टॉप लॉस ऑर्डर तो पहले से ही लगा हुआ आपका अब टाइगर ऑर्डर में देता हूं दोस्तों स्टॉप लॉस ऑर्डर का मतलब समझ लो ट्रिगर प्राइस आपका फोर पे है इसका मतलब क्या हुआ फोर पे आपका ऑर्डर जो एक्सचेंज में चला जाएगा आपका स्टॉप लॉस प्राइस कितने पे थ्री सेवेंटी पे तो इतना का रेंज इसने क्यों लिया हुआ है कि मान लो अचानक से मार्केट नीचे आ गया तो 410 से लेकर 376 के बीच में जिस भी प्राइस पे बायर अवेलेबल होगा ऑटोमेटिक आपका स्टॉक सेल हो जाएगा मान लो यहाँ पे 410 पे लिया होता है ट्रिगर प्राइस और क्योंकि आप ऊपर से नीचे आ रहा है मार्केट तब आपका लॉस होने वाला है यहां पे लिया होता फोर जीरो नाइन का आपका लिया होता स्टॉप लॉस ठीक है तो फोर टेन और फोर नाइन के बीच के बाहर का जो प्राइस होता है उस पर टिकट आपका स्टॉप लॉस टिकर नहीं होता मान लो अचानक से फोर ट्वेंटी पे है एल आई सी हाउसिंग फाइनेस कोई बुरा न्यूज आ गया सीधा थ्री एट्टी आ गया तो आपका फोर नॉट नाइन का स्टॉप लॉस जम कर गया तो वहां पर वो एग्जीक्यूट नहीं होगा तो सेफ्टी के लिए जो है फोर टेन का जो है इसने जो है स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा लगाकर रखा है फोर टेन का टिकट प्राइस और थ्री सेवेंटी सिक्स का स्टॉपलस ऑर्डर सर इसका मतलब ये नहीं थ्री सेवेंटी सिक्स पर जाएगा फोर टेन के नीचे जिस भी प्राइस पे बाय अवेलेबल हो जिस भी प्राइस पे बाय अवेलेबल हो मान लो फोर नॉट नाइन पे हो फोर नॉट एट पर हो फोर नॉट सेवन पे हो लेकिन थ्री सेवनटी सिक्स के नीचे वाले प्राइस पे नहीं लेगा ये तो ये समझ रखा है कि एल हाउसिंग हाउस से इतना मूवमेंट नहीं आता है तो फोर से लेकर थ्री के बीच में ऑर्डर लगा के प्लेस किया हुआ है अब मुझे टारगेट ऑर्डर लगाना है कहाँ जाना है मुझे पोजिशन में जाना है पोजिशन में गया यहाँ पे जो भी अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है यहाँ पे आपको दिख जाएगा आपको आना है ओपन पोजीशन पे मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर पहले से लगा हुआ है आई टी क्लोज है एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस मुझे क्लोज करना है तो मैंने बाई किया हुआ है फोर कितने बाई किया था वैल्यू फोर सेवेंटी मन में देख लेता हूँ ऑर्डर्स पे जाकर देख लेता हूँ कितने मैंने बाई किया ट्रेड रेटिस पे देखता हूँ मैं कितने बाय किया हुआ है यहाँ पे एल आई सी सी फोर फाइव पर बाई किया हुआ है अब मैं आता हूँ पोजिशन पे पोजीशन पे आया ओपन पोजिशन पे आया ओपन पोजिशन पे आया यहाँ पे एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस है फोर्थ यहाँ पर फोर नाइनटीन सामने फोर ट्वेंटी का किया मैंने तो मैं फोर टू फोर जो है ट्वेंटी फाइव का टारगेट ऑर्डर लगाता हूँ स्क्वायर ऑफ पे क्लिक किया जैसे मैंने स्क्वायर ऑफ पे क्लिक किया यहाँ पे प्राइस दिख रहा है आपको अगर आपको मार्केट में सेल करना है सिंपल आप मार्केट पर क्लिक कर दो ऐसे कुछ नहीं करना है आपको आपने बाइ किया होगा सेल करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दिया सुपर मल्टीपल्स रहे ही रहेगा आपका गुड फॉर द डे ही रहेगा आपको कंफर्म का ऑप्शन पे क्लिक करना है कंफर्म क्लिक कर देना आपका मार्केट में ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा कुछ हेडेक है ही नहीं उसमें अब मैं आता हूँ यहाँ पे मुझे लिमिट ऑर्डर में सेल करना है मान लो मैं फोर नाइनटीन में बाइक किया हूँ मुझे फोर ट्वेंटी फाइव का ऑर्डर लगाना है मैंने फोर ट्वेंटी फाइव का जो है ऑर्डर लगा के छोड़ दिया यहाँ पे अब यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा प्रोडक्ट टाइप बिल्कुल सेम रहेगा सुपर मल्टीपल्स सुपर मल्टीपल्स यहाँ पे आ टाइम रिस्ट्रिक्शन जी एफ डी स्टॉपलॉस ऑलरेडी लगा हुआ है कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक किया और यहाँ पे कंफर्म ऑप्शन है इस पर मैंने क्लिक कर दिया अब यहाँ पे देख लो दोस्तों ऑर्डर जो है प्लेस्ड सक्सेसफुली हो गया आपका आना कहाँ पे है डैशबोर्ड पे आना है डैशबोर्ड पे आ गया मैं यहाँ पे देख लो ऑर्डर टाइप में गया मैं ऑर्डर टाइप में यहाँ पे देख लो एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस नीचे दिखाएगा आपको ओपन है यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है ओपन है और यहाँ पे ओपन टाइगर ऑर्डर है यहाँ पे जो भी आपका प्राइस है वो दिख जाएगा 425 का मैंने लगा रखा है अब आते हैं फंड्स पे फिर से मोड पे गया मैं यहाँ पे फंड्स पे गया 800 समथिंग था यहाँ पे देखो 800 समथिंग ही है इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों यहाँ पे आपका एक्स का मतलब ये हुआ कि आप जो है अगर मान लो दोनों में से कोई सा भी ऑर्डर ट्रिगर होता है तो आपका एक ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा लेकिन मैंने किया नहीं है एक बार देख लेना ठीक है ये चीज़ ध्यान रख लेना मैं बता रहा हूँ क्यों ये आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर है मान लो स्टॉक जो है नीचे आ गया फोरटेन आ गया आपका ये स्टॉप लॉस ऑर्डर टिगर हो गया लेकिन ये ऑर्डर आपका ओपन रहेगा मान लो फिर से बाउंस बैक कर गया आपका एल हाउसिंग फाइनेंस फोर पे तो आपका फिर से ये ऑर्डर जो है टिगर हो जाएगा आपको लगेगा मैंने बाई किया था फिर सेल कर दिया मेरा ऑर्डर क्लोज हो गया लेकिन नहीं फिर ऊपर जाके ये फिर से एक और सेल हो जाएगा उसके बाद मान लो फिर से और ऊपर चला गया एल हाउसिंग फाइनेंस फोर के ऊपर तो आपको लॉस है क्योंकि आपने सेल कर दिया है सेल करने के बाद स्टॉक को, को नीचे आना होता है प्रॉफिट के लिए तो ये चीज ध्यान देख लेना मार्जिन ब्लॉक नहीं हुआ है शायद एक ऑर्डर कैंसिल होगा दूसरा ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा लेकिन सेफ्टी साइड के लिए आपको ध्यान रखना है अगर ये ऑर्डर टिकर हुआ ये ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ तो आपको जो है कैंसिल खुद से करना होगा कैंसिल कैसे करना है यहाँ पे देखो सी लिखा होगा कैंसिल कर देना इस पर आप क्लिक करो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे मान लो मैं इसको कैंसिल करके देखता हूँ स्टॉप लॉस ऑर्डर को लेता है नहीं लेता है कैंसिल मैंने क्लिक किया जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे देखो ओके ऑप्शन आ रहा है क्लिक किया मैंने तो यहाँ पे देखो जो है कैन नॉट कैंसिल सुपर मल्टीपल्स लाइक टू ऑर्डर मतलब ये ऑर्डर आप कैंसिल नहीं कर सकते सुपर मल्टीपल्स में समझ रहे हो मतलब ये ऑर्डर जो है क्या बोलते हैं ब्रोकर के द्वारा लगाया गया है इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते सर क्या मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ देख लेता हूँ सर फो टेन का लॉस लगाया था मुझे यहाँ पे जो है फोर टेन का मुझे नहीं लगाना फोर नॉट फाइव का लगाना है क्या मैं लगा सकता हूँ देख लेते हैं दोस्तों फो नॉट फाइव का मैं लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक किया यहाँ पर कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखो ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस्ड हो गया मतलब आप मॉडिफाई कर सकते हो स्टॉप लॉस को कैंसिल नहीं कर सकते सर मॉडिफाई का पैसा लेता है क्या कुछ पैसा नहीं लगा जो ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट होगा वही ऑर्डर का पैसा लेने वाला है ब्रोकर ऑर्डर कैंसिल हो गया ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया उसका पैसा नहीं लेता वो तो यहाँ पे मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ डैशबोर्ड पे आने के बाद फिर से यहाँ पे मैं ऑर्डर्स पे आ गया ऑर्डर्स पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख लो आपका जो है यहाँ पे एस ऑर्डर जो है थ्री का ही है स्टॉप लॉस प्राइस लेकिन यहाँ पे आप देखोगे टिकट प्राइस फोर हो गया मतलब फोर पे आएगा तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर एक्सचेंज में चला जाएगा सेलिंग ऑर्डर है तो 405 से लेके अब आ गया 405 405 से लेके 376 के बीच में जिस प्राइस पे जो है बायर अवेलेबल होगा ऑटोमेटिक आपका ऑर्डर जो है सेल हो जाएगा समझ गए कॉन्सेप्ट ये ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकते इसको सर मॉडिफाई कैंसिल कर सकता हूँ ओपन ऑर्डर कैंसिल कर सकते हो समझ गए तो टारगेट ऑर्डर आप लगा सकते हो ध्यान रखना मुझे लगता है अगर आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया तो ये ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा लेकिन ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है तो ये ऑर्डर कैंसिल होगा नहीं होगा ये कन, ये जो है डाउट में है तो वो एक बार आप चेक कर लेना सीधा सिंपल करना आपको पोजिशन पर जाना है और पोजिशन पर जाकर जो है ओपन पोजिशन क्लोज करना आपको जो भी है प्रॉफिट एंड लॉस यहां पर दिख रहा है ओपन पोजीशन जो भी है यहाँ पे आपको क्लोज करना है क्लोज मतलब जीरो करना है इसको जीरो कर दिया काम खत्म हो गया आपको अब जीरो कैसे करते हैं सर जी मैं ऑर्डर्स पे आ गया ऑर्डर्स पे आने के बाद यहां पे आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर पहले से ही पेंडिंग में ओपन ऑर्डर है मेरा मैं इस पर क्लिक करता हूं जैसे ही मैंने क्लिक किया यहां पे देख लो सेम प्रोसेस करना आप कहीं से भी कर सकते हो यहां पे आके मॉडिफाई पर क्लिक किया आपने मॉडिफाई पर क्लिक किया सर मुझे मार्केट पर सेल करना है मार्केट ऑर्डर पर क्लिक कर दिया आपने जैसे ही क्लिक किया यहां पे सब कुछ सेम रहेगा आपको टाइम डिस्क्रिप्शन पर आज जी एफडी रहेगा कन्फर्म किया क्लिक करो जैसे ही आपने कन्फर्म किया यहां पर देखो बोला मार्केट ऑर्डर्स नॉट अलाउड ये बोल रहा है मार्केट और ऑर्डर जो है प्लेस नहीं कर सकते हो तो ठीक है मार्केट ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते ओके okay? तो मेरा यहाँ पे मान लो 419 पे चल रहा है यहाँ पे अभी आपका एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस मुझे लगाना है 419 पे चल रहा है तो मैं 20 पैसे जो नीचे लगायाता हूँ फोर एटीन पॉइंट फोर एटीन पॉइंट टू जीरो का मैं टू फोर एटीन का ही लगायाता हूँ मैं वन रुपीज़ नीचे ऑर्डर लगाता हूँ को कोई मतलब नहीं होने वाला अगर आपको सेल करना है तो ऊपर सेल करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि स्टॉक तो ऊपर अभी तक पहुँचा नहीं है और आप नीचे सेल करोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि आपका हाई प्राइस ये रहा फोर एटीन भी लगा दिया मैंने एक रुपये नीचे यहाँ पे मैंने कंफर्म का ऑप्शन पे क्लिक किया कंफर्म कर दिया जैसे ही मैंने कंफर्म किया यहाँ पे आप देखो कंफर्म क्या ऑप्शन किया ऑटोमेटिक मेरा जो है ऑटो मॉडिफाई सक्सेसफुली हो गया तो आप मार्केट में प्लेस नहीं कर सकते हो लिमिट में अगर आप बाई कर रहे हो तो एक रुपये ऊपर बाइंग ऑर्डर लगा दो और आप सेल कर रहे हो तो वन रुपीज़ नीचे लगा दो कोई दिक्कत नहीं मैंने फोर एटीन के लगाया था मेरा देखना बाइंग प्राइस जो सेलिंग प्राइस जो होगा फोर एटीन पॉइंट समथिंग पे होगा ऑर्डर डैशबोर्ड बोर्ड पर आ जाओ डैशबोर्ड पर आने के बाद यहाँ पे आपको ऑर्डर्स आएगा ऑर्डर्स पे चले जाओ जैसे ही आप ऑर्डर्स पे आओगे यहाँ पे देख लो सब कुछ दिख जाएगा आपको एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस ट्रेडेड हो गया बाई टीआर एडी ट्रेडेड हो गया ये आप, आपका जो है कैंसिल हो गया ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया यहाँ पे कोई दिक्कत है ही नहीं आपका ट्रेड टेन क्वानिटी हो गया आपका कितने प्राइस पे हुआ है फोर एटीन पॉइंट एट फाइव मैंने कितने का ऑर्डर लगाया था फोर एटीन का लगाया था लेकिन फोर एटीन पॉइंट एट फाइव पे आ गया ये मैं सेल कर रहा था क्योंकि बेस्ट बायर जो था फोर एटीन पॉइंट एट फाइव पे अवेलेबल था तो मेरा फोर एटीन का भी प्राइस था तो उससे मतलब नहीं है जिस पे बेस्ट बायर अवेलेबल होगा ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा सेम कंडीशन आपको बाइंग में है जिस जिसमें बेस्ट सेलर अवेलेबल होगा ऑटोमेटिक आपका जो है बाय हो जाएगा सेम प्रोसेस करना बाइंग में वन रुपीज़ ऊपर लगा देना सेलिंग में वन रुपीज़ नीचे लगा देना अगर आपको मार्केट में अलाउ नहीं करता है तो खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसा होता है कि आपको मार्केट में अलाउ नहीं करेगा तो जो भी ऑप्शन का प्राइस है उसे पाँच रुपये ऊपर लगा देना और पाँच रुपये नीचे लगा देना सेलिंग में हो जाएगा जो भी प्राइस है बेस्ट बाय बेस्ट सेलर अवेलेबल होगा ऑटोमेटिक आपका बाय सेल हो जाएगा कॉन्सेप्ट क्लियर और ये देखो आपका जो है थ्री सेवेंटी सिक्स वाला कैंसिल हो गया ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया मतलब आपका आपका जो ओपन प्राइस आपका टारगेट प्राइस था वो ट्रिगर होगा तो ऑटोमेटिक ये कैंसिल हो जाएगा लेकिन ये ट्रिगर होगा तो आपका ओपन प्राइस कैंसिल होगा नहीं होगा वो डाउट है वो एक बार देख लेना इसलिए बोल रहा हूँ अब यहाँ पे देख लो मैं ओपन ऑर्डर स्टेटस में देखता हूँ यहाँ पर टीआर एडी कैंसिल कैंसल्ड टी आर एडी टी आर एडी कैंसल्ड टी आर एड डी मतलब मेरा एक भी ऑर्डर ओपन नहीं है मतलब ओके है मेरा इंटरडेट पोजिशन है ओके है कोई दिक्कत नहीं होने वाली ट्रेड स्टेटस में देख लो आपने क्या बाई किया था बाई क्या किया है सेल क्या किया हो गया आपका यहाँ पे सब कुछ जो है दिख रहा है अब यहाँ पे सब कुछ दिख गया अब आना है पोजिशंस में पोजिशंस में आ जाओ यहाँ पे देख लो आपका जीरो जीरो आपने पूरा का पूरा क्लोज कर दिया अब आपको मतलब ही नहीं है तो जो भी यहाँ पे सुपर मल्टीपल्स था मैंने बाइंग का ट्वेंटी रुपीज़ और सेलिंग का ट्वेंटी रुपीज़ पे किया प्लस जीएसटी प्लस सम जो चार्जेस होगा वो गवर्नमेंट का तो सुपर मल्टीपल्स फ्री नहीं है आपको डबल जो है मार्जिन मिलेगा मैंने दिखा दिया आपको डबल मार्जिन मिलेगा ये जीरो हो गया ये जीरो हो गया मतलब इंटरेड पोजीशन आपका क्लोज हो गया आपको कोई जो है दिक्कत करने की बात नहीं है आना ओपन पोजिशन में ओपन पोजिशन में आ जाओ यहाँ पे देख लो जीरो जीरो आपका काम खत्म अब कुछ नहीं करना सेल फ्रॉम एग्जिटिंग होल्डिंग मतलब ये आपके डीमेट में स्टॉक है तो वहाँ से सेल कर सकते हो पोजिशन क्लोज हो गया सब कुछ क्लोज हो गया अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस देखो जीरो हो गया मतलब यहाँ पे कुछ पोजीशन ही नहीं सब जो है रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस ही है तो यहाँ पे आपको रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है आपको करेक्ट अब आते हैं मोड़ पे जैसे आप मोड़ पे आओगे यहाँ पे आते हैं फंड्स पे जैसे ही फंड्स पे आओगे यहाँ पे देख लो जो भी आपका फंड से ही दिख जाएगा थ्री एटीन पॉइंट फाइव वन था सुबह में बैलेंस जो भी आपका माइनस हुआ वो ऑलरेडी जो है डिडेक्ट हो गया अब नीचे आ जाओ जो भी आपको माइनस अमाउंट होगा यहाँ पे पी में दिख रहा होगा लेकिन दोस्तों जो यहाँ पे आपको फंड दिख रहा है इस पर जो है ब्रोकरेज चार्ज अभी एड नहीं हुआ है ब्रोकरेज चार्ज जो होगा वो नाइट को एड होगा कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको मेल आईडी पे आएगा वहाँ देख लेना क्या क्या चार्जेस डिरेक्ट हुए हैं कल सुबह जो है यहाँ पे माइनस दिखेगा उस चार्ज में से तो घबराने का नहीं कि मतलब मेरे स्तर माइनस हो रहा है और जो भी आपने प्रॉफिट बुक किया होगा प्रॉफिट आपको टी प्लस टू वर्किंग डेज़ के ऑटोमेटिक आएगा मान लो अभी मैं वन थाउजेंड रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया होता मान लो और मैंने थ्री हंड्रेड रुपीज़ का ब्रोकरेज जनरेट किया, है। किया होता मैंने तो यहाँ पर कल सुबह मुझे दिखता थाउजेंड हंड्रेड ट्वेल्व रुपीज़ वो जो मेरा थाउजेंड ऐड हुआ है वो नहीं दिखता तो आप घबराना मत कि सर मेरे पास पैसे थे मैंने प्रॉफिट किया यहाँ पर यह माइनस हो गया मेरे प्रॉफिट भी नहीं दिख रहा है प्रॉफिट आपका टी प्लस टू वर्किंग डेज के ऑटोमेटिक यहाँ पे सेटलमेंट का आ जाएगा जैसे का रूल है वो लेकिन जो ब्रोकरेज है गवर्नमेंट टैक्स ऐड हुआ है वो आपको कल सुबह यहाँ से डिलेक्ट हो जाएगा तो घबराने का नहीं है आपका फंड जो है सब बिल्कुल सेफ है कहीं गया नहीं है वो जो भी ट्रेड करते हो ध्यान से देखना कि प्रॉफिट आएगा टी प्लस टू वर्किंग डेज के बाद आप डेली फ्रिक्वेंटली ट्रेड कर दो आपको पता ही नहीं आपने वो प्रॉफिट यूटिलाइज कर लिया अब बोलते हो फिर सर मेरा जो प्रॉफिट नहीं आया वो चीज़ आपको देख लेना ऐसा जो है होता नहीं ब्रोकिंग ये मैंने समझा दिया है सुपर मल्टीपल्स क्या होता है ब्रोकरेज मैंने बता दिया ट्वेंटी रुपीज़ पर ऑर्डर है चाहे उसमें एक लॉट लो वन क्वांटिटी लो टेन क्वांटिटी लो कुछ भी लो सुपर मल्टीपल्स में जो भी आपका नॉर्मल इंटर ऑर्डर है फोर टाइम्स का मार्जिन मिलता है फाइव टाइम्स का उसमें आपको नाइन टू टेन टाइम्स का मार्जिन मिलता है समझ गए ऐसे आपको ट्रेड करना है कुछ भी क्वेरी हो एटपीएम लाइव आता हूँ वहाँ पर आगे पूछ सकते हो ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से आकर ओपन कर लेना आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो अच्छा लगा लगाओ क्या लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना शेयर कर देना सारे सोशल मीडिया सारे टेलीग्राम इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर जहाँ भी आपको लर्निंग में देखे ज्वाइन करना है तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद